ये है मेमुनी बिरयानी, ये है व्हाइट चिकन बिरयानी, और ये है फूल की तरह, फूल इधर है। ओके, ये है मेरी सीख बिरयानी, दिस इज माय चिकन टिक्का बिरयानी। बिरयानी कुमारी, मेरा नाम है बिरयानी कुमारी। ठीक है चलो यार शूट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं मुंबई मार्केट मसाला। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक साथ में सारी चीजें नहीं बना पाती हूँ, तो आज मैंने ये चार बिरयानी बनाई। ये सीख बिरयानी है, ये मेरी टिक्का बिरयानी है, ये मेरी मेमुनी बिरयानी है, ये मेरी व्हाइट चिकन बिरयानी है। तो ऐसे अलग अलग तरह की मैं 11 रेसिपी सिखा रही हूँ अपनी क्लास में। तो अगर आप ये क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे जरूर कॉल कर लीजिए 9892731856। यहाँ पर मैं 11 आपको रेसिपी सिखाने वाली हूँ। वर्ल्ड बेस्ट बिरयानी है, मुस्लिम स्टाइल बिरयानी है, और पुलाव भी है मेरा फेवरेट। यानी हम लोग बचपन से, ठीक से कर लूँ ना जब कर रही हूँ तो, और इधर भी हम लोग बचपन से एवरी संडे पुलाव जरूरी है बनना। और अगर मेरी कजिन्स देख रही हैं तो उनको भी बताओगे कि हम ऑलमोस्ट हमारे सबके घर में पुलाव एवरी संडे बनता ही है अभी तक। तो बिरयानी इज लाइक फेस्टिवल, दावत, तो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरह की बिरयानियां बनती हैं। तो उसी में से कुछ स्पेशल बिरयानी मैंने इस क्लास में ऐड की है। और क्लास क्यों करते हैं सब, हमको तो बिरयानी आती है, हमको तो ये आता है, हमको तो वो आता है, सबको आता है, लेकिन हम लोग क्लास क्यों करते हैं? क्लास एक तो करेक्ट मेजरमेंट और एक ट्रिक्स और टिप्स होती है कोई भी चीज बनाने के लिए, विच यू गेट फ्रॉम एक्सपीरियंस या सीखते हैं आप, तो उसलिए ही क्लास आप ज्वाइन करते हैं। एक करेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है आपको, एक चीज कैसे बनानी है, कैसे करनी है, कैसे बिजनेस करना है, ये सारी चीजें मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ। तो अगर आपको ये क्लास लेनी है तो जरूर मुझे कॉल कर लीजिए। मेरा नाम है रेशमा खान और आप देख रहे हैं मुंबई मार्केट मसाला। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी जरूर अपने घर से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अब रात के 3 बज चुके हैं, इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर खाऊंगी क्योंकि पिछले शायद 20 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया है। मैंने बहुत सारा पानी पिया है, मैंने कलिंगर का जूस पिया है, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मैं ये खाऊंगी। चलो बाय, फिर मिलते हैं। चम्मच तो मैंने यहीं पर रखा था। हाँ, ये चम्मच कितनी बार मैंने सिर्फ शूट करने के लिए उठाया और मैंने खाया नहीं, तो मैं खा लेती हूँ ना। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मलाई कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता इज सो मुलायम क्योंकि इसका नाम ही है मलाई कोफ्ता बिरयानी। इसका मसाला बहुत ही गजब का है। तो कोफ्ता और बिरयानी क्लास में ये मैं सिखा रही हूँ, और ये मलाई कोफ्ता बिरयानी है। एक स्पून और लूंगी। आई गेट कचूमर, कचूमर भी फलक ने बना के रखी है। आई गेट दैट। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए यहाँ ले आई, तो सोचा अब इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर देती हूँ। गार्निश करने की क्या जरूरत है, मैं सीधे सीधे उसे खाने वाली हूँ। सोचा थोड़ा मिंट डाल दिया जाए इसमें, क्योंकि फलक ने इसमें कोरिएंडर नहीं डाला था, या फिर मिंट नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ उसने दही में, बच्चा है ना, उसने अपने हिसाब से कचूंगड़ बनाया क्योंकि मम्मा वॉज लिटिल बिजी। सो हाँ, ये सारा कुछ फलक खा के सो चुकी है। तो वेर आई वॉज, अभी चलो टेस्ट कर लेते हैं। दो तरह के कचुंबर से खाने वाली उसमें, अब इसे एक और ले लेती हूँ। आई लव दैट। तो बहुत मस्त बनी है मेरी सीख बिरयानी, यम्मी सुपर। ये है मेरी टिक्का बिरयानी। इट्स लाइक मलाई।
बहुत से लोग पूछते हैं कि तुम ये खाना करती क्या। कुछ खाना मैं खाती हूँ, कुछ खाना मैं बांट देती हूँ दोस्तों रिश्तेदारों को, नहीं बांटती हूँ गरीबों में बांट देती हूँ। तो ये बहुत ही यमी और टेस्टी टिक्का बिरयानी है। मैंने सैटरडे के दिन, नहीं सैटरडे नहीं संडे है, आज संडे हो गए, सैटरडे के दिन मैंने 10:30-11 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। और अभी यानी संडे सुबह होगी अब कल, और सैटरडे की रात है जिसके 3 बज रहे हैं, मतलब अभी जब मैं ये सब शूटिंग करने के पहले देखी थी तो 3 बज रहे थे, तो अभी कितने बज रहे होंगे यू कैन इमेजिन। ओके ठीक है, तो ये मेरा टिक्का बिरयानी है, अद्भुत। ओके और ये फिर मैं अभी व्हाइट बिरयानी अपनी टेस्ट करती हूँ। दिस इज मसाला, तो ये व्हाइट बिरयानी का मसाला है। इस बिरयानी ने मेरी बोलती बंद कर दी। वेरी वेरी नाइस। ये विद बोन है हाँ, इसीलिए वो कट आवाज आई, वो बोन के ऊपर है। दिस इज वाइट बिरयानी। मैं आपको ब्रेक करके बताऊं कि चिकन इट्स लाइक सो मुलायम, हड्डी से तो वो निकल गया। मैं ऐसी 10 कचूमर की प्याली खा सकती हूँ बिरयानी के साथ। मैं कचूमर बहुत ज्यादा खाती हूँ, बताऊँ कितना है कचूमर बनाया मैंने, फर्क खा चुकी है। अब इसे लाई हूँ यहाँ तक तो थोड़ा सा डाल ही लेती हूँ। उससे पहले कभी मैंने अपने चैनल पर कुछ खाया नहीं है ऐसे, और दिस इज मेमुनी बिरयानी। ये मैंने सबसे आज लास्ट बनाई थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये एकदम मैं आखिरी तक बनाऊं, वरना मैं बहुत ज्यादा टेम्पटेशन में आ जाती, मुझे ये इतनी ज्यादा पसंद है। बहुत ही फ्लेवरफुल है यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग है ये। चिकन एकदम मुलायम, दिख रहे हैं आप रेशा रेशा रेशमों के मुंह में। बहुत बहुत ही यमी है ये, थोड़ा सा इसको। एंड आई थिंक मैं फलक के बाजू में नहीं सो रही हूं, इसलिए फलक जाग गई है। बेटा ब्रेक के बाद मैं जो देख लू उसको, इतना ज्यादा आज सहेली के घर गए थे और इतना ज्यादा चले हैं कि वो नींद में से उठ गई कि मेरे पैर दुख रहे हैं, तो मैंने वहां पे उसको हिमालय का ऑयल है, हिमालय का ऑयल जो मुझे नेक पेन होता था तब मैं लगाती थी, तो वो मैं रखती हूँ घर में, कभी अल्लाह ना करे दोबारा मुझे हो वो पेन। और मुझे फ्रोजन शोल्डर का जो था, आपको शायद पता है या नहीं पता है, मेरे ये हाथ ऊपर नहीं उठता था, ये मेरा हाथ सिर्फ यहाँ यहाँ तक रहता था, ऊपर नहीं जाता था। फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज योगा करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है ठीक हो गया सब। तो उस वक्त मुझे जरूरत पड़ी थी, लेकिन मैं सेफ्टी में वो हमेशा रखती हूँ कि कभी किसी को दर्द हो तो यूज करें। ये जो है मेमुनी बिरयानी, दिस इज सुपर्ब। डन बेटा।
बच्चे थोड़े से मम्मी के पास में ना हो तो करते हैं ऐसा, उनको नींद नहीं आती है, तो मैं भी बस जरा सी इतना खाया बस बहुत हो गया। अब 4 बज रहे हैं, मेरी तो सहरी हो गई। फिर मैं तीन अगली वीडियो में, आज खाया मुझे बड़ा मजा आया, वरना मैं से कभी ऐसे अपने रेसिपीज को खाया नहीं, लेकिन बिरयानी की रेसिपीज को मैं कैसे दे, बिकॉज आई नो अगर मैं खाना शुरू करूंगी तो फिर मैं रुकूंगी नहीं, पहले मैं खा लूंगी और फिर पता चला, हालांकि मैंने ज्यादा बनाई है लेकिन फिर भी पतीली में सारी रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अगर इधर से खा ली या इधर से भी खा ली, कहीं से भी खा सकती हूँ, इसलिए मैं रुकी हुई थी। तो ये सारी रेसिपीज बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जरूर मुझे कॉल कीजिए 9892731856 पर। फिर मैं देखो अगली वीडियो में, यहाँ पर 11 बिरयानी, सुपर डुपर टेस्टी बिरयानी। हाँ मेरी राल टपक रही है, ओह माय गॉड मेरी राल टपक रही है, क्योंकि मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ। तो मैं एक निवाला टेस्टी वाला मैं खाती हुई हूँ। आप लोग जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, वीडियो जरूर लाइक कीजिए, और ये बताना तुम्हारी कौन सी फेवरेट डिश है। पुलाव बिरयानी इज माय फेवरेट, मैं हर संडे पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए रेडी रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमेशा से पुलाव ज्यादा बनता है, लेकिन बिरयानी इज लाइक नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज लाइक बिरयानी, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं लोग। चलो मेरा खाने में ध्यान है ना, मेरे बातों में ध्यान नहीं है। पलक यू वांट सम बेटा? आई विल ट्राई दिस मेमोनी बिरयानी मोर। मैं जब तक जाके उसके बाजू में सोऊंगी नहीं, वो सोएगी नहीं। भूख की बावर्चन आफ्टर 20 आवर्स, 20 आवर्स हुए, कितने आवर्स हुए, सैटरडे को मैंने 11:30 बजे खाया था खाना एंड नाश्ता, और अब बज रहे 4 संडे की रात, मतलब सैटरडे और संडे के बीच की रात। अरे 12 तो 10:30 बजे ही बज गए ना, बट 4, 12, 4 16-17 घंटे। हाँ लेकिन मैंने बीच में वाटरमेलन जूस पिया था। इसे खत्म कर लूं फिर जा रहे हैं। इसे मैं कल दोपहर में खाऊंगी, इसलिए इसे नहीं खा रही हूं। और फलक को व्हाइट बिरयानी पसंद है ना, दुनिया में बिरयानी जैसा कुछ भी नहीं। हाँ माशाल्लाह, थैंक यू, बाय, इसे उठा के रखती हूँ भी।